हेलो फ्रेंड्स, ग्रेविटी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया गया जब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो क्या करेंगे? जो 10 है और 20 है, इनका सबसे पहले क्या करेंगे? LCM, लघुतम समापवर्तक, 2 से करो, फिर 5 से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 20 आ गया भाई, तो इन दोनों का LCM कितना आ गया? 20। ये 20 क्या निकला? ये निकल गया भाई टोटल वर्क, और टोटल वर्क निकल गया। अब इस 20 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/10, कितना भाई? 20/10 कितना गया भाई? 2, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको करो 20/20 डिवाइड करें, देखा कितना 1, मतलब 1 आ गया। जो ये 2 निकला, ये क्या निकला? एक दिन का काम। जो एक निकला वो क्या निकला? बी का एक दिन का काम। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन में पूछा है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। हमें पता है टोटल वर्क कितना है, 20। टोटल वर्क हमने लिख दिया 20 डिवाइड बाय, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? ए प्लस बी कितना कर रहे हैं भाई? 2 ए कर रहा है, बी एक कर रहा है, ठीक है भाई। 2 काम ए कर रहा है और एक काम बी कर रहा है, टोटल काम 3 कंप्लीट होते हैं एक दिन में। ये कितना निकल गया? एक दिन का काम दोनों का निकल गया। टोटल काम था 20, एक दिन में 3 काम करते हैं तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो 20 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 6/2/3 डेज। ऐसे ही आपसे, जैसे यहाँ 2 मेंबर थे ए और बी, अगर आपसे थोड़ा अलग पूछ लिया जाए, 3 मेंबरों का पूछ लिया जाए, ए बी सी, ऐसे पूछ लिया, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो वही सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना है भाई इनका एलसीएम? हमने देखा 10 है, 20 है, 30 है, एलसीएम देखा हमने निकाल के, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 15 = 30, फिर इसमें कटता है 5 में जाता है भाई, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 5 × 2 × 3 कितना हो गया? 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 3 = 60, तो 60 क्या निकल गया हमारे पास? ये निकल गया टोटल वर्क। हमारे पास 60 क्या निकल गया भाई? टोटल वर्क। अब क्या करेंगे? ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए का निकालने के लिए जो 60 है उसे ए की वैल्यू से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6। तो ये 6 डेज, एक दिन का काम ए का कितना आया? 6, एक दिन में कितना काम करता है? 6। ऐसे ही बी का करेंगे, ये था ए का, ऐसे ही बी का करना हो तो क्या करेंगे? 60/20 कितना आया? 3, यहाँ आ गया भाई 3। बी का एक दिन का काम कितना आया? 3। ऐसे ही सी का निकालना हो, सी का क्या हो जाएगा? 60/30 कितना आ गया भाई? 2। सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। अब हमसे पूछ लिया गया तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो भाई टोटल वर्क कितना था? टोटल वर्क था 60 डिवाइड बाय, तीनों ने कितना मिलकर काम करा? ए ने 6 करा, बी ने 3 करा, सी ने 2 करा, 60/11, तो कितना हो गया? 11×55 और 5 डेज। आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। अरे दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं 8 दिन बाद ए, कौन भाई? ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा कार्य होने में कितने दिन, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा भाई?
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, ए और बी। ए कितना है, एक काम को 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दिया, कितना गया 60, 20 दिया 60, कैसे बताया था 60/20 कर दो, तो कितना गया 3, तो ये ए का एक दिन का काम निकल जाएगा। ऐसे ही बी का 60/30 कर दो, कितना हो गया भाई 2, तो ये बी का 2 दिन का काम निकल जाएगा। उसके आगे इन्होंने क्या कह रखा है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं 8 दिन के बाद। भाई 8 दिन तक ए प्लस बी ने काम करा, भाई 8 दिन तक ए प्लस बी ने काम करा, 8 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, 8 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो 8 दिन के बाद किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। 8 दिन तक भाई इनका एक दिन का काम कितना था, ए का 3, बी का एक दिन का काम 2, दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना हो गया 5, दोनों का एक दिन का काम हो गया 5, 8 दिन तक इन्होंने 5 काम करा, कितना हो गया 40 काम, दोनों ने मिलके 40 काम कर दिया, लेकिन टोटल वर्क कितना था भाई, ये कितना था, ये था टोटल वर्क, टोटल वर्क था 60, इसमें से 40 काम कंप्लीट हो गया, रह कितना गया 20, 60 में से 40 काम कंप्लीट कर दिया ए और बी ने 8 दिन के अंदर, लेकिन रह गया बी, ए तो चला गया, रह गया बी, और टोटल काम कितना रह गया 20 टोटल वर्क रह गया, और ये कौन करेगा अकेला, बी, बी का एक दिन का काम कितना था 2, तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने दिन में कंप्लीट करेगा बी अकेला उस बचे हुए काम को, 10 डेज में बी अकेला बचे हुए काम को कंप्लीट करेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ के रखा है, पूछा हुआ है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा, पहले तो 8 दिन प्लस में 10 दिन, तो कितने दिन में 18 डेज में पूरा काम कंप्लीट हुआ। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी अलग अलग एक काम को 15 20 30 दिन में समाप्त करते हैं, कितने में समाप्त कर रहे हैं भाई, ए बी सी 15 20 30 दिन में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। पहले भाई क्या करना है, इनका छोटे से छोटा ऐसा डिजिट देखो जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो, क्या है भाई 60 है जो वो इन तीनों से भाग हो रहा है भाई, हाँ भाई हो रहा है। अब देखो 60/15 कितना हो गया 4, 20 डिवाइड कर दो भाई 60 को कितना हो गया 3, 60 को डिवाइड करा 30 से कितना गया 2। अब हमें पता लग गया टोटल वर्क कितना है हमारे पास, ये क्या निकला टोटल वर्क, और ए का एक दिन का काम ये रहा, बी का एक दिन का काम ये रहा, सी का एक दिन का काम ये रहा, सबका एक दिन का काम हमारे पास पता लग गया, टोटल वर्क पता लग गया। आगे तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं भाई, तीनों थे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो बाकी काम कौन करेगा, बी प्लस सी मिलकर करेंगे। उसके बाद उसके 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, जैसे ही एक काम छोड़कर गया उसके 4 दिन के बाद कौन काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को सी कितने दिन में 2 दिन में समाप्त करता है, सी 2 दिन में समाप्त करता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, हमें पता है तीनों ने मिलकर, तीनों का एक दिन का काम कितना निकलता है हमारे पास 4 + 3 + 2 कितना हो गया, मतलब 9, एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम, ये एक दिन में 9 काम करते हैं, ठीक है। अब आगे हमने देखा भाई बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम, दोनों का एक दिन का काम 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 दिन, ऊपर डेज है भाई, डेज है ना ये 4, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में करेंगे 20 काम, 4 दिन में कितना काम करें इन्होंने 20 काम। अगला सी, सी का एक दिन का काम कितना है 2, 2 है भाई एक दिन का काम, एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिन में कितना करेगा 4 काम। हमें एक बात पता लग गई कि भाई टोटल काम था 60, उसमें से बी प्लस सी ने 20 काम करा, सी ने 4 काम करा, टोटल काम कितना कर चुके हैं अभी तक, 24 काम कंप्लीट हो चुका है, 60 में से 24 काम कंप्लीट हो चुका है,
रेस्ट रह कितना गया 36 वर्क रह गया, ये रेस्ट वर्क रह गया। और ये वर्क जब शुरुआत में ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू करा होगा तो उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर चुके हैं, वे 36 वर्क वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनका एक दिन का काम था 9, 36 काम तीनों ने मिलकर करा होगा कितने दिन के, एक दिन में अगर वो 9 काम करते हैं तो 36 काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 9 से डिवाइड कर दो कितने दिन में भाई, 4 डेज, 4 दिन में तीनों मिलकर काम कंप्लीट करा होगा उन्होंने। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा भाई, 4 डेज, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्या भाई ये ए का, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा भाई, 4 दिन के बाद। क्वेश्चन में अगर हमसे ये पूछ लिया गया पूरा वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ तो क्या करेंगे, 4 दिन ये रहे, 4 दिन ये रहे और 2 दिन ये रहे, कितना हो गया भाई 10 डेज। अगर टोटल वर्क पूछा गया कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो टोटल वर्क क्या भाई, टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हुआ कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 10 डेज में। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 20 व 30 दिन में करते हैं, 12, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई सबसे पहले क्या बता रहा, क्या लेना चाहिए इनका एलसीएम, कितना आएगा 60, डिवाइड करो 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 30 दुनी 60। आगे भाई तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, भाई तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, इसके 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, उसके कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, जैसे ही ए चला गया उसके कुछ दिन के बाद, कुछ दिन तक तो बी प्लस सी ने काम करा होगा, उसके कुछ दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, भाई हमें ये नहीं पता कितने दिन में उन्होंने काम छोड़ा, उसके कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम सी 5 दिन में करता है, शेष काम सी 5 दिन में करता है, ऊपर हमेशा डेज लिखा करो, नीचे वर्क आ जाता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए का एक दिन का काम 5, बी का 3, सी का 2, भाई जोड़ के देखो 5 जमा 3 जमा 2 कितना हो गया भाई 10 काम, तीनों ने मिलकर कितना काम करा, तीनों का एक दिन का काम निकल गया 10, एक दिन का काम 10 है तो 4 दिन के हिसाब से कितना काम किया होगा उन्होंने, 40 काम करा होगा भाई। अब आगे सी, सी का एक दिन का काम कितना था 2, एक दिन में सी अकेला 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा वो काम, वो करेगा 10 काम, टोटल काम कितना था, टोटल वर्क, ये क्या है हमारे पास भाई टोटल वर्क, टोटल वर्क था 60, 60 में से 40 काम तो ये कंप्लीट, 10 काम ये कंप्लीट, 50 काम तो कंप्लीट हो गया, रेस्ट कितना रह गया 10 काम रेस्ट रह गया, टोटल काम कितना भाई 10 काम रेस्ट रह गया, 10 काम किसने मिलकर करा होगा, बी प्लस सी, बी करता है एक दिन में 2 काम 3 काम और सी करता है 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और 10 काम ये कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, डिवाइड कर दो 2 डेज में कंप्लीट कर देंगे, दोनों मिलकर 2 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, पूरा कार्य भाई 4 ये रे 2 ये रे 5 ये रे, 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया भाई 4 2 6 6 और 5 11, 11 डेज में इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 15 20 30 दिन में करते हैं, ए करता है 15, बी करता है 20 और सी करता है 30 दिन में, भाई तीनों का हमने एलसीएम लिया पहले, तो एलसीएम कितना है भाई 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एलसीएम आ गया, हमें पता लग गया टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है हमारे पास 60। उसके बाद यदि वे बारी बारी काम करते हैं, बारी बारी का मतलब पहले दिन ए ने काम करा, दूसरे दिन बी ने ही काम करा, तीसरे दिन सी ने काम करा, पहले दिन ए ने काम करा अपने हिस्से का 4 काम कर दिया, बी ने भाई 3 काम करा, सी ने 2 काम करा, हमें पता लग गया 3 दिन 3 डेज, 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ भाई, 3 दिन में 9 काम कंप्लीट हुआ। फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन दोबारा से ए आएगा, अगले दिन फिर बी आएगा, अगले दिन सी आएगा, ऐसे ये काम लगातार चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तीनों का 3 दिन में 3 डेज में कितना काम कर रहे हैं 9 वर्क,
तीन दिन में वो नौ काम करते हैं, टोटल काम था 60, नौ काम कर चुके हैं उनमें से तीन दिन के हिसाब से, हमें पता है 60 काम करना है, नौ की टेबल में, नौ की टेबल को 60 तक लेके जाओ, लेकिन 60 से नीचे तक रखो, क्यों, हमें 60 काम करना है, 60 से ज्यादा काम नहीं करना, 60 काम करना है, तो 60 इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 54, 18 डेज, 18 दिन में 54 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आया ए, अगले दिन आया ए, 19वें दिन कौन आया ए, और ए ने कितना काम करा, हमें पता है ए कितना काम करता है, 4 दिन, 4 काम, 19वें दिन उसने कितना काम करा, 4 काम करा भाई, 58 काम कंप्लीट हो गया, टोटल काम था 60, 60 में से 58 काम कंप्लीट हो गया, रह कितना गया काम, काम रह गया दो, ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम अगली बार ए के बाद कौन आएगा, बी, बी आया और बी ने कितना काम करा, बी ने दो काम करा, बी करता है तीन काम, तीन में से दो काम उसने करा, तीन में से दो काम उसने करा, कितना भाई, अब हो गया 60 काम, मतलब उसने तीन में से दो ही काम करा, पूरा काम तीन करता हो लेकिन उसने तीन में से खाली दो ही काम करना पड़ा, तो उसने कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा 19 सही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।